press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर में मां बेटे सहित एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। कार सवार लोग रामनगर से संभल जा रहे थे। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो की उपचार के दौरान मौत हुई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल जिले के हयात नगर के रहने वाले अर्जुन की शादी अनन्या से 10 जुलाई को उत्तराखंड के रामनगर में हुई थी। शुक्रवार को शादी के बाद अर्जुन पत्नी अनन्या को लाने के लिए अपनी भाभी, बहन, भतीजे और भतीजी के साथ दो अलग अलग कारों में सवार होकर रामनगर पहुंचे थे। देर रात सभी लोग अनन्या को लेकर संभल के लिए रामनगर के लिए चल दिए। एक कार में अर्जुन, उसकी पत्नी और दूसरी कार में भाभी बबीता, भतीजा अंश, भांजी तनु, बहन पिंकी, परिवार के बाकी दो लोग किरण और कृष्णा सवार थे। दोनों गाड़ियां काशीपुर में पहुंचने के बाद अर्जुन की कार अलीगंज वाली रोड की तरफ मुड़ गई और दूसरी कार ठाकुर द्वारा की तरफ से मुरादाबाद की तरफ मुड़ गई। मुरादाबाद की तरफ जाने वाली कार भोजपुर थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर के पास करीब रात 12 बजे सामने से ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टकरा गई। टक्कर लगने से बबीता और उसके बेटे अंश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर लगने के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान चालक बंटी और पिंकी सहित तन्नू की उपचार के दौरान मौत हो गई। दो घायल किरण और कृष्णा का उपचार चल रहा है। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि अर्जुन की शादी के बाद अर्जुन और परिवार के लोग रामनगर से दुल्हन की विदाई करके ला रहे थे। रात संभल लौटते समय जहांगीरपुर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई। इसमें परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। एसपी देहात उदय शंकर ने बताया कि देर रात भोजपुर थाना क्षेत्र में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई और कार चालक की भी हादसे में मौत हो चुकी है। दो घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। ट्रैक्टर वाले के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल चालक फरार है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक परिवार के लोग रामनगर से मारुति वैन में आ रहे थे। थाना भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत जहांगीरपुर के आसपास मेन रोड पर एक ट्रैक्टर जिसमें ईंट लगा हुआ था, उससे मारुति वैन की टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मृत्यु पहले हो गई थी। पुलिस ने उपचार के लिए सबको भिजवाया। उपचार के दौरान दो अन्य लोगों की मृत्यु हुई है। इस प्रकार से इसमें कुल चार लोगों की मृत्यु अब तक हो गई है और तीन लोग उपचाराधीन हैं। अभी पुलिस के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार हुआ अभी? ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। तो ये शादी से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? किसी फंक्शन से आ रहे थे, इनका कोई फंक्शन था रामनगर में, वहाँ से बताया जा रहा है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।